हेलो फ्रेंड्स, मैं इशु एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बनाएंगे हम इस एलईडी स्ट्रिंग लाइट को। तो दोस्तों, इसे फेरी लाइट भी कहा जाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा पतली एलईडी लाइट होती है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो अगर आप इसी टाइप का एलईडी लाइट मार्केट से या ऑनलाइन परचेस करोगे तो लगभग आपको 200 से 300 रुपए के बीच में मिलेगा। लेकिन आप इसे घर पर बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हो। मुझे इसे बनाने में टोटल खर्चा 10 रुपए का ही आया है, तो काफ़ी ज़्यादा सस्ता है और बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, काफ़ी आसान तरीके से मैंने इसे बनाकर दिखाया है। फ्रेंड्स, इस एलईडी फेरी लाइट को बनाने के लिए हम यूज़ में लेंगे मोबाइल फ़ोन की डिस्प्ले की। तो ये सभी डिस्प्ले को मैंने मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान से लाया है और ये सभी ख़राब हो चुका है। तो ख़राब जो है उनके पास ये वेस्टेज होता है, तो आप वहाँ से मांग कर ला सकते हो, फ्री में मिल जाएगा। तो इस डिस्प्ले के अंदर में एलईडी बैक लाइट लगी होती है, तो उस लाइट की हमें ज़रूरत है। तो उसे खोल लेंगे तो ये देख सकते हो, ब्लैक कलर का जो है ये स्क्रीन है, तो इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसके अंदर में आपको छोटी छोटी एलईडी लाइट मिल जाएगा, यहाँ पर देख सकते हो। तो जितना बड़ा ये स्क्रीन होगा उतनी इसमें एलईडी लाइट लगी होगी। इसमें देख सकते हो काफ़ी सारी एलईडी लाइट है, लेकिन इस छोटे वाली डिस्प्ले में देख सकते हो 3 ही एलईडी लाइट है। तो फ्रेंड्स, आप काम करते हैं, इस डिस्प्ले के अंदर से एलईडी लाइट को बाहर निकाल लेते हैं और ये आसानी से बाहर निकल जाएगा, जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो इसमें आपको इस टाइप की छोटी छोटी एलईडी लाइट देखने को मिलती है और ये सभी एलईडी लाइट जो है सीरीज में कनेक्ट होती है। तो इसे चेक करने के लिए मैं यहाँ पास 3.7 वोल्ट की एक बैटरी ले रहा हूँ। तो यहाँ पास मैंने 2 प्रोब को कनेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पर देख सकते हो इस टाइप से काफ़ी ज़्यादा ब्राइट ये एलईडी लाइट होती है। तो यहाँ पर इस टाइप से चेक करके हमें इसकी नेगेटिव और पॉजिटिव साइड को पता करना है। तो ऊपर वाला साइड जो है इसका पॉजिटिव और नीचे वाला साइड जो है नेगेटिव है। तो यहाँ पास मैं मार्किंग कर लेता हूँ मार्कर की मदद से। तो आप ही ज़रूर से कर लेना, ताकि आपको पता रहे वायरिंग करते समय इस एलईडी लाइट की नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल कौन कौन सा है। फ्रेंड्स, अब हम इस एलईडी लाइट को बीच से कट करके अलग अलग कर लेंगे। तो इसे कट करके हम इसमें पैरेलल कनेक्ट करेंगे और इसे लंबा बनाएंगे, तो इसलिए काटना ज़रूरी है। तो इसी टाइप से मैंने अलग अलग डिस्प्ले से काफ़ी सारे एलईडी लाइट इकट्ठे कर लिए हैं। इसमें कनेक्शन करने के लिए हमें चाहिएगा इंसुलेटेड कॉपर वायर। तो कॉपर वायर आप पुराने डीसी मोटर से आसानी से ले सकते हो। तो इस डीसी मोटर के आर्मेचर में इस टाइप का कॉपर वायर आपको मिल जाएगा, काफ़ी पतला होता है और इस एलईडी लाइट में हमें पतले कॉपर वायर की ही ज़रूरत है। तो दोस्तों, इस कॉपर वायर के ऊपर एक वार्निश की एक लेयर होती है। तो इस लेयर को जब तक आप घिस करके बाहर नहीं निकालोगे, इसमें सोल्डिंग नहीं होने वाला है। फ्रेंड्स, अब कॉपर वायर की लंबाई आप अपने हिसाब से रख सकते हो। मैं यहाँ पास 1 मीटर का एलईडी लाइट बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों, जिस जिस जगह पर आपको एलईडी लाइट लगाना है, उस जगह से आपको इस कॉपर वायर में से जो वार्निश है उसे घिस करके बाहर निकालना है। तो घिसने के बाद यहाँ पास थोड़ा सा सोल्डिंग पहले ही कर लेना, ताकि इसमें एलईडी लाइट को सोल्डिंग करते समय आसानी हो। तो अब दोस्तों, मैं एक और तरीका आपको बताता हूँ इस एलईडी लाइट की नेगेटिव और पॉजिटिव साइड को पहचानने का। तो दोस्तों, जब एलईडी लाइट जलता है तो इसकी जो लाइट की डायरेक्शन ऊपर की ओर होती है, तो इसका जो राइट साइड वाला टर्मिनल होगा वो नेगेटिव के लिए होगा और लेफ्ट साइड का जो टर्मिनल होगा पॉजिटिव के लिए होगा। तो इस टेक्निक का भी आप यूज़ कर सकते हो पता लगाने के लिए। तो दोस्तों, इस एलईडी लाइट को आपने देखा काफ़ी ज़्यादा छोटा है, तो इसमें सोल्डिंग करने के लिए आपको चाहिएगा एक पतली नोक वाली सोल्डिंग आयरन। तो इस सोल्डिंग आयरन को मैंने घर पर ही बनाया है, इसकी मेकिंग वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, देख लेना बाद में। तो दोस्तों, यहाँ पास मैं इस एलईडी लाइट को कॉपर वायर के बीच में रखते जाऊँगा और सोल्डिंग करते जाऊँगा। तो इसलिए दोस्तों, यहाँ पास आपको काफ़ी पतले नोक वाली सोल्डिंग आयरन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पास बारीक काम है, देख सकते हो एलईडी लाइट काफ़ी ज़्यादा छोटी छोटी है। तो सोल्डिंग आयरन के जो बिट है उसे घिस कर आप पतला भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इसी टाइप से आपको सारे एलईडी लाइट की कनेक्शन करना होगा और ध्यान रखें कि सभी एलईडी जो है पैरेलल में कनेक्ट हो, यानी सभी एलईडी का जो पॉजिटिव पॉजिटिव है वो एक वायर के साथ कनेक्ट हो और सभी एलईडी का नेगेटिव नेगेटिव दूसरे वायर के साथ कनेक्ट हो। अब दोस्तों, जो वायर है इसे हम इस टाइप से लपेट देंगे, ताकि यह जो है और भी पतला दिखाई दे। तो इसी टाइप से जितना लंबा एलईडी लाइट है सभी को इस टाइप से लपेट देना है। अब दोस्तों, चले इसे आपको मैं थोड़ा सा चेक करके दिखा देता हूँ। तो इसे चलाने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ 3.7 वोल्ट की एक मोबाइल बैटरी और देख सकते हो काफ़ी अच्छे से ग्लो कर रहा है। अगर दोस्तों आपको इस एलईडी लाइट को चार्जर से चलाना है, तो इसके लिए आपको एक यूएसबी ले लेना है, जो चार्जर का वायर होता है ये, और इसके नेगेटिव पॉजिटिव को कनेक्ट करना होगा।
इसके बीच में हमें एक 220 ओम का रेजिस्टेंस लगाना होगा, क्योंकि चार्जर जो है 5 वोल्ट आउटपुट देता है, तो 5 वोल्ट से एलईडी लाइट ख़राब भी हो सकता है, तो इसके बीच में रेजिस्टेंस ज़रूर से लगाना। तो रेजिस्टेंस लगाने से एलईडी लाइट फ्यूज नहीं होगा, क्योंकि वो 3.7 वोल्ट से जलता है। तो दोस्तों, हम इस एलईडी लाइट को जलाने वाले हैं इस बैटरी से, जो कि 18650 लिथियम आयन बैटरी है। तो यहाँ पास मैंने एक स्विच पहले से ही कनेक्ट कर दिया है, तो चलिए इसमें आप सोल्डिंग भी कर लेते हैं एलईडी लाइट की। तो ये जो है पॉजिटिव वायर था और ये जो है नेगेटिव वायर है। बहुत ही इजी सा कनेक्शन है, आप बहुत ही आसानी तरीके से इसकी वायरिंग कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस एलईडी लाइट में एक और थोड़ी सी कमी है। जब दोस्तों हम इस एलईडी लाइट को किसी भी जगह यूज़ करेंगे या फिर इस टाइप से मोड़ेंगे, तो एलईडी लाइट जो है टूट सकता है। तो इसके लिए भाई हम इसमें लेंगे ग्लू गन। ग्लू गन को हम इस एलईडी लाइट के चारों ओर थोड़ा थोड़ा लगा देंगे। इससे भाई दो फायदे हैं, एक तो एलईडी लाइट को थोड़ा मजबूती मिल जाएगा, और दूसरा एलईडी लाइट जो है वाटरप्रूफ भी बन जाएगा और इसकी लाइफ भी बढ़ जाएगी। तो ये ज़रूर से करना। तो गाइस, ये देखिए मैंने सभी एलईडी लाइट में ग्लू गन लगा दिया है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है और इसकी मजबूती भी अब बढ़ चुकी है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसे चलाकर देखते हैं ये कैसा दिखाई देता है। तो यहाँ पास मैं एक 18650 लिथियम आयन बैटरी ले रहा हूँ। इसकी वोल्टेज है 3.7 वोल्ट। इस बैटरी से एलईडी लाइट जो है 3-4 घंटे तो आराम से चल ही जाएगा, क्योंकि एलईडी लाइट ज़्यादा करंट कंजम्पशन नहीं करता है। तो ये देखिए दोस्तों, काफ़ी अच्छे से एलईडी लाइट ग्लो कर रहा है। मैंने सोचा नहीं था कि इतने अच्छे से ये एलईडी लाइट बनेगा और इतना अच्छा दिखाई देगा। तो दोस्तों, आप भी ज़रूर से ये एलईडी लाइट अपने घर पर बनाना, और इसमें खर्चा ही कहाँ होता है, एलईडी लाइट को आपको तो फ्री में मिल जाएगा, तो आप इसे ज़रूर से बनाना। तो चलिए दोस्तों, मैं इसमें एक छोटा सा सर्किट लगा के आपको दिखाऊँगा। तो यह दोस्तों एलईडी लाइट कंट्रोलर, इसकी मदद से हम एलईडी लाइट को अलग अलग तरह से चला सकते हैं इफ़ेक्ट में। तो दोस्तों, इसे मैंने कहाँ से परचेस किया है, अगर आपको इसकी वीडियो देखना है तो आई बटन पर लिंक आ रहा होगा, क्लिक करके देख लेना। 65 रुपये का ये मुझे मिला था लाइट कंट्रोलर। तो इसे लगाने के बाद हम इस टाइप से अलग अलग पैटर्न में और इफ़ेक्ट में एलईडी लाइट को चला सकते हैं। तो भाई, काफ़ी ज़्यादा गजब का एलईडी लाइट बना है ना, किसने ही सोची होगी कि मोबाइल डिस्प्ले से इस टाइप का गजब का एलईडी लाइट बना सकते हैं। तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करना दोस्तों, और वो कहाँ मार्केट में मिलने वाला 200-300 रुपये का एलईडी लाइट, और ये कहाँ 10 रुपये के खर्च में बनने वाला एलईडी लाइट, कितना ज़्यादा फर्क है। और लाइट में भी देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा गजब का ये ब्राइटनेस देता है। तो आप भी इस घर पर ये एलईडी लाइट को ज़रूर से बनाना, और कौन कौन बनाने वाला है कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताना। और हाँ गाइस, मेरी तरफ से आप सभी को धनतेरस और दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, वीडियो को लाइक करना भूलना नहीं।